अल्लाह का फ़जल है आज भी इतनी सदियों के गुज़रने के बावजूद हम अहले सुन्नत हैं जो उसी तरीके पे कायम हैं जो तरीका रज किया गया सिहबा कि राम रदी अल्लाह तुम की तरफ से अब यहाँ ये जो गैर मुखल्दीन की तरावी है पीछे तो इसका कहीं ज़िक्र नहीं इसकी सन्न वलादत हमें ढूँढनी पड़ेगी कि आठ रकत तरावी की तारीख़ विलादत क्या है ये फतवा कब दिया गया जैसा कि अब दस रकत नमाज तरावी की विलादत जो है वो इस सदी में इस साल में हुई और अब हरमैन शरीफन में दस पढ़ी जा रही हैं पहले तारीख में कभी भी दस नहीं पढ़ी गई हमेशा बीस पढ़ी गई हैं तो फिर आइंदा लोग तारीख में दस साल बाद सदी बाद ये जो दस वाली बात अगर कोई चलाता है तो इसकी तारीख़ विलादत बताएंगे कि ये 2020 हज़ार बीस ईस्वी की पैदावार है तो जिस वक़्त आठ रकत नमाज तरावी का फतवा दिया गया तो ये इतनी अजीब बात थी कि खुद ग़ैर मुकल्दीन जो अपने आप को आले हदीस कहलवाते हैं उन्होंने इसको रद्द किया और इस पर जिसने फतवा दिया था उसे गुमराह कहा ये मेरे पास जो किताब है रिसाला तरावी ये एक गैर मुकल्दालम दीन यानी वहाबी जिसका का नाम मौलाना गुलाम रसूल उन्होंने लिखा है अब तो किसी वहबी का नाम ग़ुला रसूल होना ये भी बड़ा बीद है बल्कि इस पर तो उनका शर्क का फतवा है लेकिन उस वक़्त अभी इनका शर्क जो है वो इतना फला फूला नहीं था तो इस बुनियाद पर ग़ुला रसूल इनकेमा के भी नाम थे ये फारसी में उस वक़्त रसाला लिखा आठ रकत तरावी के फतवे के ख़िलाफ़ अब ये रिसाला जो है इसमें इन्होंने तारीख़ विलादत लिखी है आठ रकत तरावी की और इससे किसी को चिड़ नहीं होनी चाहिए उन्होंने लिखा है कि अहद फारूकी से लेकर बारह सौ नबे हिजरी तक बारह सौ नबे हिजरी है जब बटाला के मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी गैर मुखलद वहाबी ने आठ रकत का फतवा दिया कि आठ रकत तरावी पड़ी जाए तो इस पर मियाँ सिंह के ग़ुल रसूल ने फारसी में रसाला लेख कर कहा कि हज़रत फारूक आजम रजी अल्लाह तुम से लेकर ये बारह सौ नबे तक आज तक उम्म तो बीस रकत तरावी पड़ती रही है ये आठ की अब विलादत हुई है अब इस बुनियाद पर ये तकरीबन डेढ़ सदी इसकी उम्र है सारी हम तो मक्की मदनी तरावी पढ़ते हैं चौदह सदियाँ पहले से जो आई है ये डेढ़ सदी वाली इनकी है और दस वाली मजीद बिदत है और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बिदत 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 करके हमारे पीछे पड़े हुए हैं जबकि इन्होंने तो एक पूरी नमाज ही बिदत से घड़ी हुई है वो क्या है आठ रकत नमाज तरावी जिसको ख़ुद इनके आलम दीन ने ही बड़ा रगड़ा लगाया और कहा कि आठ को तरावी कहना ये गुमराह ही है हरगिज़ ये दीन की बात नहीं है अब मैं उसके अल्फाज़ पढ़ता हूँ ताकि किसी को शक ना रहे ये सफ़ा नंबर तेईस पर फारसी में जो अल्फाज हैं जिससे पता चलेगा आठ रकत वालों की तरावी की विलादत ये है उनका मसलक जो है उसकी फिर पैदाइश का भी पता लग जाएगा साथ ही उनके मसलक की तरावी का सन वलादत जो है वो यहाँ ज़िक्र है और आगे उस पर पूरा तबसरा है ये मौलाना ग़ल रसूल कहते हैं बाद हमद खुदा व नात रसूल सल वसलम बशनो इन नुकता रब समबूल कि अल्लाह ताला की हमद और रसूल पाक सल वसम की नात के बाद सुन ए सुनने वाले सुन कबूलियत के कानों के साथ यानी सिर्फ़ इस तरह ही के सुनीसुनी सुनी कर दे सुन के कबूल भी कर दरी अवान बारह सौ नब्बे हजरत मुक़दसा बाज़ मर्दमान दरअद रकात तरावी के बाला हदीस क्या में रमज़ान मी गोयन इख्लाफ मी कंद के इस सदी में कौन सी बारह सौ नवे हिजरी में बारह सौ नबे तो अब है चौदह सौ इकतालीस तो बारह सौ नबे डेट लिख के उन्होंने कहा कि इस में बारह सौ नबे में क्याम रमज़ान ये भी झगड़ा ख़त्म किया कि तरावी के बा आले हदीस क्या रमज़ान मी गोयन के तरावी की रकतों के बारे में झगड़ा हो गया वो तरावी जिसको आले हदीस क्याम रमज़ान कहते हैं तो यानी ये बताया कि तरावी और क्याम रमज़ान ये आपस में मुतरादिफ हैं ये कोई जुदा जुदा, जुदा बातें नहीं तो इस बारह सौ नबे में अदद रकत तरावी में क्या हुआ कहता है कुछ लोग इख्लाफ में कुनंद इख्लाफ करते हैं चुनाचे फ़ाजिल के फतवा नविश्ता के सुन्नत याजदा का तस्त कि एक फाजिल महक् आगे इसको रगड़ा दगाएगा कि उसने फतवा दिया है कि कितनी रकतें तरावी हैं ग्यारह यानी ग्यारह का मतलब है तीन वितर और आठ रकत तरावी साथ तीन वितर भी यहाँ से फतवे में है कि उसने फतवा दिया है और उसमें लिखा क्या है कि से सही हमी कदर साबित के सही हदीस में सिर्फ यही तरावी है आठ रकत व के बीस व शे रकत मी गुजारन सुन्नत अदा तो मोहम्मद हुसैन बटालवी ने कहा ये जो लोग तेईस पढ़ते हैं यानी बीस रकत तरावी और तीन वितर इनकी सुन्नत अदा नहीं होती यह है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि जो पूरी उम्मत चौदह सदियों से और सिहाबा जो पढ़ रहे थे ताबीन पढ़ रहे थे अम अरबा पढ़ रहे थे यानी आईमा सलासा अम अरबा में से तो आगे हज़ारों इमाम पढ़ रहे थे तो इनका कलम इतना जो है वो बेलगाम है और बेहतराम है कि ये भी नहीं देखा कि इसे आबा के बीस ज़ुमर में आ रहे हैं तो उसने कहा कि ये जो तेईस रकत पढ़ते हैं कहता है कि सुन्नत अदा नहीं होती सुन्नत अदा नमीश वद वहीज हदीस सही दरी मरवी नेस और बीस के बारे में कोई सही हदीस मरवी नहीं है ये उसने अपने फ़तवे में लिखा बीस का रद्द किया और आठ रकत का इस बात किया अब ये गोजर वाला का किला मियाँ सिंह का मौलवी उसमें में दम खाम शायद नाम की बरक़त से ही था तो वो आपे से बाहर हो गया उसने ये तमहीद में रिसाले के अंदर का लिहाजा रवायत चंद अजस्क़ात नकल करदा मी के सुन्नत आ हज़रत अलैहि वसल्लम अदा मीशवा व सुन्नत खुलफाए राशिदीन नीज़ मा ज्यादत अजर उसने कहा मैं ये रिसाला इसलिए लिख रहा हूँ कि बीस रकत पढ़ने से डबल सुन्नत अदा होती है एक तो रसूल पाक अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा होती है और दूसरी खुलफाए राशिदीन की सुन्नत अदा होती है तो ये यानी वहाबी मौलवी अपने उस मौलवी के इस फतवे पर जो उसने बारह सौ नबे हिजरी में दिया था आठ रकत तरावी का और बीस के रद में उसने लिखा था तो इसने फ़ौर उसकी गर्दन पकड़ी और उसको जो है ये जवाब लिखा और ये कहा कि तुम ये ग़लत प्रापोगंडा कर रहे हो कि इससे सुन्नत अदा नहीं होती बीस रकत जो पढ़ता है वो डबल सुन्नत अदा करता है क्योंकि तो ये आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है नफ्स सुन्नत और आगे फिर जमात के साथ और बीस रकत ये मजमू तौर पर डबल सुन्नत है ज़्यादात अजर और इसमें इजाफ़ी अजर है सफ़र नंबर अट्ठाईस पे और सत्ताईस पे जो एक वाही मौलवी ने गैर मुक़लद ने दलाल दिए उनमें से दो दलीलें पहली और दूसरी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो कहता है कि अवला अहादीस नबविया इस मुतमस्क माँ दरी बाब अवला अदीस नबीआया असली वसम के दर फजायल अमल बर आहा मुजमा अल अस्त के इसके अंदर पहली दलील हमारी किस पर बीस तरावी पर अहादीस नबविया हैं अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि दर फजाइल अमल बर आहा दर फजाइल अमल बर आहा मुजमा अल अस्त कि वो इस मेरिट की हदीसें हैं कि फ़जाइल अमल में उन पर अमल करना फजाइल के बाद में उन पर अमल करना ये इजमाही मसलक है इस पर इजमा किया गया है तो लिहाजा इजमा के मुताबिक जो हदीस दलील बन सकती है वो हमारे पास मौजूद है जिससे साबित होती है और वो हमारी दलील है बीस रकत तरावी के ऊपर वसानियन दूसरी इसमें फेले सिहाबा रजियल्हन व ताबीन व इम अरबा व फे सवाद आजम मुसलमिन शरकन व गरबन आज अहद उम्र फारूक रजियल्ल्हु तबी वकत बारह सौ नबे हिजरी मा बीस व से मी ख़ानन कहता है सिहाबा रदी अल्लाह तह का फ़ेल भी बीस है ताबीन का फेल भी बीस है, है। आइम अरबा का फेल भी बीस रकत का है और वफेल सवाद आज़म मुसलमान मुसलमानों की जो अवामी तौर पर भी बड़ी जमात है शरकन व गरबन अज अद फारूक आजम हज़रत फारूक आजम रजी अल्लाह तो तार के ऐज से लेकर ताई वक्त, बारह सौ नबे तक सारी उम्मत किस पर है हमा बीस व से मी खानंद सारे ही तेईस रकत पढ़ते हैं बीस रकत तरावी और तीन रकत वितर तो पता चला कि आठ की विलादत हुई बारह सौ नबे में और इससे पहले कहीं आठ रकत तरावी नाम नहीं था तहजद नाम था आठ रकत नाम की तरावी कहीं शरकन गरबन पूरे आलम इस्लाम में नहीं थी ये लिख के कहता है बखिलाफ ई मुफ्ती गाली के बिद तो मुखालफ सुन्नत मी गोयद यानी एक तरफ हैं सिहाबा ताबीन आ अरबा सवाद आजम, शरकन गरब सारे मुसलमान और दूसरी तरफ ये मुफ्ती गाली मोहम्मद हुसैन बटालवी मुफ्ती गाली के बिदत व मुखालफ सुन्नत मी गोयद कि आठ रकत को त्रावी कह के बिदत का कौल कर रहा है और मुखालफ सुन्नत कह रहा है तो आठ रकत को त्रावी कहना ये गैर मुखद सुन लें था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि बदल जाता है रियालों से लोगों का ज़मीर आज क्यों नहीं बोलते ग़ैर मुकलद ये बात यानी जब डेढ़ सदी पहले ख़ुद ये तड़प उठे थे कि आठ रकत तो तरावी होती नहीं है तरावी तो हमेशा सारी सदियों में बीस रकत ही आई है ये आठ रकत तो बिदत है आठ रकत मुखालफ सुन्नत है लेकिन था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ आस जिसको पहले बिदत खुद कह रहे थे और मुखालफ सुन्नत खुद कह रहे थे सिर्फ़ अह सुन्नत की हसद और बुगज़ की वजह से आहिस्ता आहिह उसे ही दीन बना लिया और बीस को बिदत कहना शुरू कर दिया हालांकि बीस तो सवाद आजम का मज़हब रहा खलफ़ा राशिदीन, आइम अरबा सहाबाव व ताबीन सवाद अजम शरकन गरबर मुसलमानों का तो यह कहता है व्राह अफरात मी पोयद के ये जो मुफ्ती गाली है ये बिदत कर रहा है और हद से तजाव़ का रास्ता उस रस्ते पे ये दौड़ लगा रहा है इसका सुन्नत के रस्ते पे ये नहीं चल रहा बल्कि ये बिदत की राहों पे दौड़ें लगा रहा है तो ये यानी तारीख़ विलादत है आठ रकत तरावी की अल्लाह का फ़जल है कि हम बटाले वाली तरावी नहीं पढ़ते हम मदीने वाली तरावी पढ़ते हैं मक्का मदीना वाली और जो चौदह सदियों से चल के आई है घड़ी हुई नहीं बल्कि सुन्नत से पढ़ी हुई पढ़ते हैं जिस पर इतने बड़े बड़े आइमा ने जिसका का कौल किया है तो इस बुनियाद पर जैसे हम अपने दीगर बहुत से मौजूद में ये बात वाजे करते रहते हैं कि चोर मचाए शोर कि जो खुद चोरी कर रहा होता है वो कहता है लोगों पकड़ो पकड़ो चोर 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 कह के लोगों को ध्यान लगा के आ फरार हो जाता है तो इन्होंने बिदत 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 का शोर हमारे बारे में मचाया हुआ है और कर खुद रहे हैं यानी इतना बड़ा हाजमा तेज़ है इनका इनका अपना मौलवी कहता है कि आठ रकत जो है वो तरावी नहीं तहजद है और आठ को तरावी कहना ये बिदत है तो अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो अपनी बिदत छुपाने के लिए इन्होंने बीस को माजिला बिदत कहना शुरू कर दिया और बीस जो कि खलाफा राशिदीन की सुन्नत है सिहबा का जिस पर रजमा है यानी ये भी शर्म नहीं कि ये आगे बोल किस के ख़िलाफ़ रहें यानी अहल सुन्नत के बुगज़ में बोलते वक़त ये देखते नहीं कि इनके फतवे कहाँ जा के तीर लग रहे हैं अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि हम अहल सुन्नत व जमात अहल सुन्नत हैं वाक़े के अंदर दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी एक हम अहल इश्क हैं जहाँ थे वहीं रहे